तो गाइस आज हमें बिग माफिया ने अपने विला पर मिलने के लिए बुलाया। जैसे कि आपको पता ही होगा गाइस, बिग माफिया और डगन बॉस हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। डगन बॉस तो इस वक्त शहर से बाहर है, लेकिन गाइस हमें बिग माफिया ने पता नहीं आज अचानक से मिलने के लिए क्यों बुलाया। और हम लोग ऐसे वैसे नहीं जाने वाले, हम लोग अपनी पूरी सिक्योरिटी साथ लेके जाने वाले। तो इस वक्त आप देख सकते हो गाइस, फ्रैंकलिन और ट्रेवर ने हमारी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर रखा है। तो मैं अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ पर लगा देता हूँ और फटाफट से जाके फ्रैंकलिन और ट्रेवर से बात करता हूँ। एक्चुअली गाइस मैंने ट्रेवर को ये भी कहा था कि साथ में ना मेरी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लेके आ रहा, क्योंकि गाइस हम लोग कोई भी लफड़ा नहीं चाहते हैं वहां पर। और फ्रैंकलिन ने तो भाई सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम किया है। हाँ भाई फ्रैंकलिन, क्या सीन है यार? अरे माइकल यार, तुझे क्या जरूरत पड़ी यार वो बिग माफिया से मिलने के लिए? तुझे पता ही है ना वो तेरा कितना बड़ा दुश्मन है। यार फ्रैंकलिन तो डरता क्यों है यार? बिल्कुल टेंशन मत ले, बिग माफिया में कुछ नहीं करने वाला। हाँ भाई ट्रेवर, क्या सीन है यार, गाड़ी वाड़ी का इंतजाम किया कि नहीं? अरे माइकल, गाड़ी का इंतजाम हो गया, देख ट्रक में। क्या बात कर रहा है, कौन सी गाड़ी लेके आया भाई तू बुलेट प्रूफ? गाइस एक्चुअली मैंने इसको कहा था कि अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके आना, लेकिन एक मिनट, ये तो कैडिलैक है ना? यस गाइस, ये तो कैडिलैक लेके आया। तो गाइस फटाफट से अपनी इस कैडिलैक को बाहर निकालते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है और गाड़ी नीचे से थोड़ी घिस भी गई है, लेकिन गाइस गाड़ी देखो कितनी ज्यादा बड़ी है। आप देख ही सकते हो गाइस, यहाँ पर एक फॉर्च्यूनर खड़ी है और फॉर्च्यूनर के सामने ये कैडिलैक उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी लग रही है। तो गाइस मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर लगा देता हूँ और ये गाड़ी फुल्ली बुलेट प्रूफ है, मतलब इस पर किसी ने बॉम्ब भी डाल दिया तो गाइस इस गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलो गाइस, तुम दोनों ने ना बहुत ही तगड़ा इंतजाम किया है। मुझे लगता है इतनी सिक्योरिटी और अपनी ये जो गाड़ियां हैं ये सब लेके हम अभी यहाँ से निकल सकते हैं। तो गाइस हमारा पूरा कॉन्वॉय रेडी हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बिग माफिया के विला पर। तो फटाफट से अपनी सारी गाड़ियां निकालते हैं। पहली सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां जो है वो निकल चुकी है और उसी के पीछे गाइस है डिफेंडर, जो कि गाइस पुलिस की गाड़ी है, और उसके पीछे हमारी कैडिलैक और हमारे पीछे एक और डिफेंडर है। और इतनी तगड़ी सिक्योरिटी देख के भाई बिग माफिया की फट के चार होने वाली है, ये तो पक्का है। तो गाइस आपको बता दूं, इस वक्त मेरे पास 16 सिक्योरिटी गार्ड्स है और मेरे साथ ट्रेवर और फ्रैंकलिन जैसे मेरे दो खास दोस्त भी है और मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी है। तो गाइस यार मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, बिग माफिया ने हमें मिलने के लिए बुलाया तो बुलाया क्यों है? क्योंकि गाइस शहर में ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा जिसकी वजह से बिग माफिया हमें मिलने के लिए बुलाए। लेकिन गाइस एक बात है, मुझे कल कमिश्नर का कॉल आया था कि यार शहर में ना कुछ अफरा तफरी बढ़ चुकी है, लेकिन ये अफरा तफरी का और बिग माफिया का और मेरा कनेक्शन क्या है मुझे अभी तक तो कुछ समझा नहीं है। लेकिन हाँ गाइस, शायद बिग माफिया के साथ बात करने के बाद हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो गाइस देखते देखते हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बिग माफिया के विला पर। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इसने इतनी सिक्योरिटी क्यों रखी और वो भी सारे के सारे इसके सिक्योरिटी गार्ड मेरे ऊपर क्यों एम करके बैठे हैं? एनीवेज गाइस हमें उससे क्या, हमारे पास तो इससे भी डबल सिक्योरिटी है। हाँ भाई बिग माफिया, फाइनली तेरा और मेरा मीटअप हो ही गया। अरे माइकल कैसा है तू? मैं बढ़िया हूँ यार, मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे तुझे क्या हुआ है भाई, अचानक से तूने ये दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा दिया है? अरे माइकल कुछ नहीं यार, पता नहीं मैं तुझे बात बताऊंगा और तुझे विश्वास होगा भी या नहीं। तुझे तो पता है तेरी मेरी और डगन बॉस की दुश्मनी के बारे में पूरे शहर को पता है। हाँ यार ये तो बात सही है, पूरे शहर को पता है, लेकिन इससे अपने मीटिंग और अपनी दोस्ती का क्या है भाई? देख यार माइकल, सीधी सीधी बात बता देता हूँ, डगन बॉस वापस आ चुका है। एक मिनट, ये क्या बात कर रहा है, डगन बॉस वापस आ चुका है? भाई ये तो इम्पॉसिबल है, उसे तो मैंने खुद अपनी हाथों से मारा है। अरे माइकल, जिसको तूने मारा था ना वो डगन बॉस का कोई हमशक्ल था, डगन बॉस रशियन आर्मी के पास था और आज मैं तेरे साथ मिलके डगन बॉस की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। तो गाइस मैंने बिग माफिया की सारी बातें सुन ली और उसने कहा कि अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को यहीं पर रखते हैं, तेरे भी और मेरे भी, और हम एक लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पर तेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। अब गाइस मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, कौन से सरप्राइज की बात कर रहा है और ये मुझे कह रहा है कि गाड़ी सीधे मिलिट्री बेस लेना। तो गाइस आपको पता ही होगा, डगन बॉस और पुलिस कमिश्नर एकदम खास दोस्त है एक दूसरे के और इसी के वजह से हम उसके दुश्मन है। लेकिन गाइस हमारा सबसे बड़ा और सबसे खास दोस्त पता है कौन है? वो है गाइस मिलिट्री कर्नल। मिलिट्री कर्नल ने हमारे और बिग माफिया के बीच में काफी बार दोस्ती करवाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने हर बार इनकार किया है। लेकिन आज गाइस मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना यार बिग माफिया अगर सामने से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो हम क्यों पीछे मुड़े? तो इसलिए गाइस मैंने दोस्ती का हाथ इसका एक्सेप्ट तो कर लिया है। तो गाइस यहां से गाड़ी लेफ्ट ले लेते हैं, ये जो रास्ता ये सीधे जाता है मिलिट्री बेस की तरफ,
लेकिन गाइस ये जो कैडिलैक है जो कि इस वक्त मैं चला रहा हूँ, ये गाड़ी पहली बार मिलिट्री बेस आ रही है और हो सकता है इस गाड़ी को मिलिट्री के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रोक दे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा तो है, मुझे नहीं लगता ये हमें एंट्री देगा जब तक ये मेरी शक्ल नहीं देखता, ये हमें अंदर जाने नहीं देगा। अरे भाई मैं हूँ माइकल। अरे सर 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 आप यहाँ पर और ये किसकी गाड़ी? एक मिनट, आप बिग माफिया के साथ क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, हम दोस्त बन गए, मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए आए। ओके ओके सर, प्लीज गो इनसाइड। तो गाइस हमें यहाँ पर ना मिलिट्री बेस के अंदर एंट्री तो मिल चुकी है और उस बंदे ने हमें रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि गाइस ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसके कांच जो है, मिरर जो है, विंडोज जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक है। इसकी वजह से ये बंदा है ना देख नहीं पा रहा था कि अंदर कौन बैठा है और इसने हमें रोक लिया। लेकिन गाइस इसको मैंने समझा दिया और इसने हमें एंट्री दे दी है। अरे अरे माइकल यहाँ से लेफ्ट ले ले। अबे एक मिनट, यहाँ से लेफ्ट क्यों ले लो यार? चलो गाइस कोई बात नहीं, अब ये कह रहा है तो यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। अरे माइकल एक काम कर, यहीं पर गाड़ी लगा दे, तेरे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए क्या सरप्राइज है यार बिग माफिया? अरे यार माइकल तू सवाल बहुत पूछता है, सवाल कम पूछा कर और यहीं पर रुक थोड़ी देर के लिए। One hour later. तो गाइस पिछले एक घंटे से हम लोग यहाँ पर रुके और गाइस फाइनली बिग माफिया ने कह दिया है कि तेरा सरप्राइज, तेरा जो पार्सल है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरा कौन सा पार्सल है जो मैंने मिलिट्री बेस में। भाई तूने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया था क्या फ्रैंकलिन और ट्रेवर? अरे नहीं यार माइकल, मैंने तो कुछ नहीं ऑर्डर किया। एक मिनट, ये जो बंदा है सामने जिस पर मिलिट्री वालों ने एम कर कर रखा है, इसे तो मैं पहचानता हूँ, ये तो डगन बॉस का राइट हैंड है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओए ये तो सच्ची में डगन बॉस का राइट हैंड है, भैंस की डांग। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पुलिस ऑफिसर, इसे तुमने कहाँ से पकड़ा? अरे सर इसको हमने एयरपोर्ट से पकड़ा है स्मगलिंग के चक्कर में। क्या बात कर रहा है, ये स्मगलिंग कर रहा था? तेरी भैंस की टांग साले, स्मगलिंग करेगा तू? इसको तो गाइस मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये ले साले तेरी भैंस की टांग, तू तो डगन बॉस का राइट हैंड था, ये लॉस सैंटोस में तू क्या कर रहा है भाई? चलो गाइस अब इसको तो भाई मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन ये बेहोश हुआ है अभी। गाइस मुझे इसको गन से उड़ाना ही पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में मैंने इसको गन से क्यों उड़ा दिया। ले बेटे खत्म। वैसे ये मिलिट्री कर्नल कहां पर है? अरे सर वो मिलिट्री कर्नल सर किसी मीटिंग से बाहर गए। अच्छा ठीक है, इसके लाश को दफना देना कहीं पर, ठीक है हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चल भाई बिग माफिया इसको तो हमने खत्म कर दिया। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, गाइस हमने बिग माफिया के राइट हैंड को खत्म कर दिया, इसका नाम है जेकॉब। और गाइस इसको खत्म करने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी क्यों बढ़ चुकी है? अब गाइस बिग माफिया और माइकल हम लोग दोनों भी दोस्त बन के गाइस डगन बॉस के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं। वो प्लानिंग ऐसी वैसी नहीं है, इतनी खास इतनी खतरनाक प्लानिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आपको पता ही होगा गाइस डगन बॉस अगर शहर में आ गया तो गाइस इलीगल वेपन्स, इलीगल ड्रग्स, ये सारी चीजें शहर में आ जाएगी। देखो गाइस मैंने बिग माफिया की दोस्ती का हाथ इसलिए एक्सेप्ट किया है गाइस क्योंकि बिग माफिया कभी भी गलत कोई भी काम नहीं करता। वो चोरी करेगा, चक्कारी करेगा, कुछ भी करेगा गाइस, लेकिन वो कभी भी शहर में इलीगल ड्रग्स या फिर ऐसी कोई चीजें शहर में आने नहीं देने वाला। लेकिन मुझे पता है गाइस अगर शहर में डगन बॉस वापस आ गया ना तो गाइस यार ये डगन बॉस किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन गाइस आपको तो पता ही होगा शहर में जो आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो गाइस बुड्ढों की कम है और जवान लोगों की, यंगस्टर्स की ज्यादा है। और अगर ड्रग्स वक्त शहर में आ गए तो गाइस शहर को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। तो गाइस यार इसीलिए गाइस हम लोगों को प्लानिंग करनी है, बहुत ही तगड़ी प्लानिंग, वो भी बिग माफिया के साथ मिलके। तो गाइस मैंने अभी भी ना कॉल किया था लेस्टर को और लेस्टर को सारी बातें बता दी है। लेस्टर मुझे कह रहा है कि उसका जो राइट हैंड है जिसे हमने अभी अभी खत्म किया है मिलिट्री बेस में, उसके फोन के थ्रू हम लोग शायद डगन बॉस को पकड़ सकते हैं। देखो गाइस डगन बॉस का राइट हैंड है, यानी कि वो डगन बॉस के आस पास इर्द गिर्द घूमता ही होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी लास्ट लोकेशन जो होगी वो पक्का उसी लोकेशन पर डगन बॉस छुपा होगा। तो गाइस मैंने लेस्टर को बोल दिया उसकी लास्ट लोकेशन को ट्रैक करने के बारे में, और मुझे लगता है बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो गाइस अगले पार्ट में देखते हैं कि हम लोग क्या डगन बॉस को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो गाइस आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और गाइस कमेंट में ये लिखना मत भूलना कि आपको क्या लगता है डगन बॉस पूरे लॉस एंटॉस में कहाँ पर छुप के बैठा होगा। अगर आपको लगता है कि उस लोकेशन पर है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और मैं उस लोकेशन पर जाकर डगन बॉस को ढूंढ निकालूंगा। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर गाइस, बाय बाय।